सो so, ये वीडियो कैसे बने थे इंस्टाग्राम रील के लिए किसने भी ट्यूटोरियल बताया नहीं है मैं बता रहा हूँ एंड मैंने ये खुद वीडियो बनाया है इंस्टाग्राम के रील के लिए एंड आपके लिए भी कुछ अलग ट्राई किया है मैंने सो so, बहुत बॉम वीडियो है एंड वीडियो एंड तक देखना सो so, आपको जस्ट नाइन पॉइंट सिक्स रेशियो का लेना है इंस्टाग्राम रील के लिए उसके बाद आपको मीडिया पे जाना है एंड आपके जो भी फ़ोटोज़ हैं वो आपको सेव मीन्स इसके ऊपर डाल लेना है मीन्स बाजू में लेके आना है सो so, प्रॉपर एक एक फ़ोटोज़ आपको सेवन टू एट फोटोज़ लाना है एंड मैं थोड़ा स्पेयर कर रहा हूँ सो so, मैंने सेवन टू एट फोटोज़ ले लेके आया एंड आपको उसके बाद आपको जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है एंड पैन एंड जूम के ऑप्शन पे जाना है एंड दोनों ऑप्शन को क्लिक करना है एंड आपको जस्ट नीचे लास्ट कॉर्नर पे आपको फ़ोटो लेके आना है ऊपर का आपको जो ब्लैक लेयर है वो छोड़ देना है एंड थोड़ा अच्छे से लेके आना है बाजू में ब्लैक दिखे नहीं सो so, प्रॉपर बीच में लेके आना है एंड नीचे के ऊपर का ब्लैक का जो ऑप्शन है वो आपको छोड़ देना है आपको ऐसे हर फोटोज़ में करना है सो so, आपको जस्ट पैन एंड जूम के ऑप्शन पे आना है एंड नीचे लेके आना है एंड आपको जस्ट वहाँ पे रख देना है एंड आपको मैं अभी आप स्पेयर करके बता रहा हूँ आपको सब फोटोज़ को वैसे ही करना है सो so, एकदम ईजी ट्रिक्स है और कुछ इतना करना नहीं है आपको जस्ट आपको एक के एट फोटोज़ को वैसे ही करना है पेन एंड जूम के ऑप्शन में नीचे लेके आना है एंड ऊपर का जो ब्लैक लेयर है वो आपको बाद में कट करना है आपको ये वीडियोस में बताऊँगा क्या करना है वो ब्लैक लेयर का जो कि ऊपर का लेयर है उसके बाद आपको जस्ट ये लेयर हो गया उसके बाद आपको जस्ट वो जो लेयर के बीच में जो ऑप्शन है लाइन है वाइट वाला ऑप्शन है आपको जस्ट नेट ओपन कर लेना है आपका या वाईफाई एंड आपको जस्ट बीच वाले लाइन के ऊपर क्लिक करना है एंड नीचे जाना है स्क्रोल करना है स्क्रोल करना है एंड जस्ट गेट मोर का ऑप्शन आ रहा रहेगा वहाँ पे उसके ऊपर क्लिक कर लेना है सो so आपको जस्ट थर्ड वाले ऑप्शन पर आना है थ्री डी एक्शन और थर्ड वाले ऑप्शन पर आना है एंड उसके बाद आपको जस्ट विंडोज़ इोर ज़ीरो पॉइंट टू के ऑप्शन पे आना है एंड उसको डाउनलोड कर लेना है मैं डाउनलोड कर चुका हूँ सो so, डाउनलोड करने के बाद आपको जस्ट वापस से उसके ऊपर टाइप कर लेना है एंड जस्ट विंडोज़ के ऊपर जाना है यानी आपको फोर लेयर्स दिखाई देंगे वहाँ पे सो so, आपको हर एक लेयर आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना है सो so, हर एक लेयर बहुत बॉम है ग्लिच वाला है हर एक लेयर सो so, आपको वैसे हर एक लेयर्स के ऊपर फर्स्ट लेयर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसा लेयर्स आपको अलग अलग लेयर डालने लें एंड बहुत अमेजिंग होने वाला है ये ट्यूटोरियल सो so, आपको ऐसे डालने डालने एंड उसके बाद आपको जस्ट रेंडमली कौन से भी लेयर्स ले लेने बीच में से एंड एडजस्ट कर लेना है उसके बाद आपको जस्ट लेयर लेने के बाद आपको जस्ट फोर्टीन सेकेंड्स का वीडियो बनाना है ये ट्वेंटी सेकेंड्स का वीडियो है तो इसके लिए आपको लेयर को स्मॉल स्मॉल करना पड़ेगा फोर्टीन सेकेंड्स का वीडियो बनाना है जस्ट अभी एटीन सेकेंड्स हुआ है सो so, आपको लेयर को थोड़ा कट करना पड़ेगा एंड आपको यहाँ तक वीडियो बनाना पड़ेगा एंड हर लेयर को पकड़ के मीन्स टू टू मिनट्स का लेयर को पकड़ के आपको फोर्टीन लेवल का बनाना है एंड उसके बाद आपको एक्सपोज कर लेना है शेयर का ऑप्शन भी आना है एंड जस्ट वन जीरो एट पी जीरो पी पे एंड थर्टी पी पे जाके शेयर कर लेना है उसके बाद आपको जस्ट एक नया प्रोजेक्ट बनाना है नया प्रोजेक्ट नाइन पॉइंट सिक्सटीन रेशन का चाहिए उसके ऊपर क्लिक करना है मीडिया के ऊपर जाना है मीडिया के ऊपर क्लिक करना है एंड तो तो जीश्ण yeah. ये वाला जो इफेक्ट है ये मुझे इंस्टाग्राम पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे जाके मुझे इंस्टाग्राम के लिए मैसेज कर देना सो मीडिया के ऑप्शन पे जाना है इसके ऊपर वाले एंड वो लेयर को लेके आना है वीडियो के लेयर को लेके आना है लेयर के ऑप्शन पे आके मीडिया के ऑप्शन पे आके लेके आना है उसके बाद आपको जस्ट ऐसा बाद में पॉपिंग आना रहेगा वो फ्रेम सो so, उसके बाद आपको उसके हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है प्रॉपर फ्रेम के हिसाब से एंड आपको वो वीडियो फ्रेम के अंदर डालना है सो so, आपको मैं बताऊंगा कैसे प्रॉपर डालते हैं उस फ्रेम के अंदर सो so, आपको जस्ट पहले जाना है एंड अल्फ़ा पे जाना है एंड आपको ओपीसीडी कम कर लेना है ओ कम करने के बाद आपको जस्ट क्रॉप के ऑप्शन पर आना है उसके ऊपर एंड क्रॉप कर लेना है ऊपर का लेयर सो मैंने ऊपर का लेयर क्रॉप कर चुका है एंड आपको जस्ट बीच में वो लेयर को डालना है बराबर प्रॉपर बीच में रहना चाहिए लेयर एंड बेयर लेयर बीच के रहने रहने के बाद आपको जस्ट आपको ऊपर का जो लेयर दिख रहा है ऊपर का जस्ट आपको क्रॉप कर लेना है एंड सिंपली अभी देखो ये वाला सीन सो so, बहुत अमेजिंग वीडियो है ये एंड अब किसने बताया कि ऐसे मालूम नहीं मेरे को इंस्टाग्राम पे सो so, मैंने ये खुद ने बनाई है एंड और एक मैं वीडियो लेके आने वाला उसके बाद सो so, वो भी वीडियो बहुत बॉम है उसके बाद आपको जस्ट ओ पी सी टी को बड़ा लेना है हंड्रेड कर देना है एंड आपको अगर बीच में कौन सा भी फोटो ऐसा ऊपर नीचे लगे तो आपको वो भी बताऊँगा कैसे एडजस्ट करना है सो so, आपको जस्ट जाना है पहले आगे जाना है ग्लिच के ऑप्शन पे जाना है ग्लिच के इधर आपको कट कर लेना है स्प्लिट करके एंड जो बाद में का ग्लिच है उसके ऊपर उस लेर के ऊपर क्लिक करना है नीचे आना है ऊपर का स्प्लिट का ऑप्शन है स्प्लिट कर लेना है एंड स्प्लिट करने के बाद आपको जस्ट नीचे क्रॉप का ऑप्शन भी जाना है एंड आपको ऊपर का लेयर बड़ा लेना है आपको बीच में अगर लगने का तो ऊपर से या नीचे से आपको बड़ा लेना है जैसे भी है एंड आपको वापस से एडजस्ट कर लेना है वहाँ पे एंड वो फ्रेम के अंदर बैठना चाहिए एंड उसके बाद वापिस वापस आपको क्रॉप कर लेना है एंड आपका प्रॉपर फ्रेम में बैठ जाएगा ऐसे दो तीन फोटोज़ मेरे हो गए थे जो ऊपर नीचे थे शूट्स कर हो रहे थे तो मैंने प्रॉपर एडजस्ट कर लिया था वहाँ से एंड वीडियो बन चुकी है उसके बाद आपको जहाँ पे भी कुछ सीन लगे तो थोड़ा कुछ शो कर लेना एंड आपको एक्सपोर्ट कर लेना है ना पीछे में आपका आपका नाम न ना चलेगा आपके हिसाब से एंड एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर एक्सपोर्ट कर लेना है फाइनल आउटपुट देखो आप अभी ये लेयर चाहिए तो निश्चय डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर इंशाइर है जाके वहाँ पर फॉलो करना मैसेज करना कि भाई मेरे को ये पीछे वाला बैकग्राउंड चाहिए सो सो वे मैं वहाँ पर दे दूंगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे